कुछ भी कहो गुरु, भौकाल है नहीं यूपी का। ऐसे ही यूपी वाले आजकल सीना तान के थोड़े ना घूमते हैं। अरे उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। अब योगी महाराज जैसे भौकाली मुख्यमंत्री होंगे तो यूपी कैसे पीछे छूट सकता है भाई। पूरी दुनिया यूपी विकास की फिल्म देख रही है। तो चलो आपको भी दिखाई देते हैं, जो बम्बई दिल्ली में न हुआ वो यूपी में होने जा रहा है गुरु। अपने यूपी में देश की पहली पॉड टैक्सी चलने वाली है, जिसमें 662 करोड़ रुपया खर्चा होगा। नोएडा जेवर और जेवर से फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक परियोजना रिपोर्ट या DPR तैयार की गई है। गुरु प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर होगी और विश्वास जताया गया है कि 2023 तक आप इस पॉड टैक्सी में घूम सकते हो। चाइना जापान को भी योगी जी ने अकेले ही पछाड़ दिया है गुरु। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यूपी में बन रहा है, नाम है जेवर एयरपोर्ट। योगी सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। जेवर एयरपोर्ट को नोएडा और दिल्ली से मेट्रो रेल के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट पर बुलेट ट्रेन का भी एक स्टेशन होगा। 5000 हेक्टेयर में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद यूपी का भौकाल और भी बढ़ जाएगा। योगी जी के रहते हुए यूपी में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बनना है, नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। इसके बनने के बाद 340 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। 22,494 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की नींव 2018 में PM नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में रखी थी। इतना ही नहीं भैया, लिस्ट बहुत लंबी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अयोध्या में हो रहे 20,000 करोड़ का निर्माण कार्य, काशी के 1500 करोड़ की परियोजना, 36,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे, और भी बहुत कुछ है। तो समझ गए क्या है यूपी के इतना भौकाल बना हुआ है पूरे देश में। अरे भाई, क्योंकि योगी जी की दमदार सरकार है, इसलिए यूपी का चौचक भौकाल है।